अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम अदर जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्डोमेन। कुछ बातें हम करते हैं अबाउट द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड द अम्बिलिकस। सो हमारे पास ऑलरेडी टोल यू अबाउट द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के उसके 9 कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड पेरिटोनियम जो उसके अंदर लाइन कर रही है। हमारे पास स्किन कैसी है जी? स्किन एब्डोमेन की थोड़ी सी लूज होती है, एज एवरीवन नोज कि इट कैन बी स्ट्रेच, इट कैन बी अ बिट फ्लेक्सिबल। देन सुपरफिशियल फेशिया कैसे? पहले हम लाइकस की बात करते हैं सचिन। देर इज अ स्कार इन द सेंटर जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विच इज कॉल्ड अम्बिलिकस। L2 एंड L3 वर्टिब्रा के दरमियान के लेवल पे ये लाई करता है, ठीक है। अम्बिलिकस होता है, स्कार होता है, रेमिनेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, जहाँ से फीटस में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, इस वजह से स्कार रह जाते हैं ऑन द स्किन। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको कि T10 जो सेगमेंट है वो इसे सप्लाई करता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। L2 L3 वर्टिब्रा के लेवल पे होते हैं, T10 सेगमेंट इसकी सप्लाई कर रहा होता है नर्व सप्लाई। और ये अम्बिलिकस जो है ये नॉर्मली हर बंदे में, मैंने कहा कि L2 L3 वर्टिब्रा के लेवल पे ही होता है। और जो पेंडुलस जिनकी होती है, जो ओबीस पीपल होती है जिनकी जो बेली होती है वो पेंडुलस ही होती है उनमें, और बच्चों में ही थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ होता है, नीचे की तरफ होता है। फिर हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें वो ये है कि इट इज़ अ एरिया ऑफ द वाटर शेड लाइन। वाटर शेड लाइन क्या होती है? ये हमारे पास सपोज अम्बिलिकस है, हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे ऊपर वाले जितने भी लिम्फैटिक्स हैं वो ऊपर के लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगे, ऊपर के लिम्फ नोड्स में मतलब अपने आसपास वाले में ड्रेन करके अल्टीमेटली ऊपर सबक्लेवियन लिम्फ नोड्स में और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएंगी। और जो इससे नीचे वाली लिम्फैटिक्स हैं सारी, वो अपने आसपास के लोकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करके अल्टीमेटली इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाएंगे, फिर वहाँ से वो इन्फीरियर वेना कैवा या जिधर भी उसने जाना है। सो ये वाटर शेड लाइन है, इससे इस लाइन के अक्रॉस जो है वो लिम्फैटिक्स मिक्स नहीं होती, इससे ऊपर वाले ऊपर रहते हैं, नीचे वाले नीचे रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं वाटर शेड लाइन। एक ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पूछते हैं आपसे वाइवा में, वो पूछते हैं कि व्हाट आर कैपट मेड्यूसी, ठीक है। कैपट मेड्यूसी याद होगा, हम वो गेम्स खेलते होते हैं ना, उसमें अक्सर वो एक बलास ही आती है जो ऐसे करके उसका सर होता है और उसकी पता नहीं इतने सारे यूं लंबे लंबे से बाल, वो सर उनने निकाले भी होते हैं यूं करके, कैपट मेड्यूसी। मेड्यूसी मुझे याद है हरक्यूलिस में भी आती थी, ऐसे एक बलास ही आती काफ़ी सारे सनों वाली, उसे मेड्यूसी कहते हैं, उसको मेड्यूसा कहते हैं, मेड्यूसी कहते हैं। तो ये कोई इनकी ग्रीक वगैरह किसी पुरानी है, किसी मैथोलॉजी में होगा ये, बहरहाल उधर से ही हमने भी नाम निकाला है। वो नाम कैसे हमने निकाला है कि ये जो अम्बिलिकस है इसके लेवल पे होती है पोर्टोकेवल एनेस्टोमोसिस। पोर्टोकेवल एनेस्टोमोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें पता है कि हमारी सारी GIT को ड्रेन कर रही हैं जो वेन्स, वो अल्टीमेटली मिलती हैं पोर्टल वेन से और पोर्टल वेन ले जाती है उन्हें लिवर में डायरेक्टली, इन्फीरियर वेना कैवा नहीं जाती सारी GIT को। तो हमारी GIT की जितनी भी वेन्स हैं वो सिस्टेमिक वेन्स हैं, वो सारी आएंगी और वो पोर्टल वेन से अम्बिलिकस के लेवल पे आके मिल जाएंगे और पोर्टल वेन उनका ब्लड देके चली जाएगी लिवर में। तो ये पोर्टोकेवल एनेस्टोमोसिस एग्जिस्ट करता है एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अगर ऐसा हो कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि ये हमारा लिवर पड़ा हुआ है, लिवर में पोर्टल वेन आ रही है, पोर्टल वेन वाली जगह पे जो है वो हाइपरटेंशन हो जाए, यानी इस जगह पर प्रेशर जो है वो बैक फ्लो करना शुरू कर दे, तो सारा का सारा ब्लड जो है वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए। पीछे की तरफ आएगा तो पीछे पोर्टोकेवल एनेस्टोमोसिस वाली जगह पर आएगा जहाँ पर अम्बिलिकस है, जहाँ पर ये वेन्स पड़ी हुई हैं। तो ये वेन्स जो है वो ऐसे डायलेटेड अपेयर होती हैं जस्ट अराउंड द अम्बिलिकस, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द 9 हेड्स ऑफ द मेड्यूसा बला ऑफ द हरक्यूलिस। तो इट इज़ नॉन एज कैपट मेड्यूसी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाइवा में पूछते होते हैं। अम्बिलिकस फिर इधर आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद अम्बिलिकस की एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि जब हमारे, मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में बताया कि जब वो के दो साइड से लैटरल फोल्ड्स बनते हैं और जो हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग होती है, तो वो सारी फोल्डिंग्स आपकी अम्बिलिकस पे आके मिलती है, जितनी भी फोल्ड्स बनते हैं बॉडी के। सो ये उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ग्रॉस में नहीं ज़रूरत है इसकी। देन हम आते हैं अपने सुपरफिशियल फेशिया, जो अगला मेन टॉपिक है। तो सुपरफिशियल फेशिया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो लेयर्स में इसका एब्डोमेन का, जितनी आपकी एंटी एब्डोमिनल वॉल, इसका सुपरफिशियल फेशिया दो लेयर्स में होता है। एक होती है उसकी सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है और डीप जो है वो मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है। ये इसका सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फैटी लेयर को हम कहते हैं फेशिया ऑफ द कैंपर और डीप मेम्ब्रेनस लेयर को फेशिया ऑफ स्कार्पा। ओके, तो फैटी लेयर की पहले क्या कहानी है? फैटी लेयर ऐसी है कि वो सारे के सारे एब्डोमेन को तो कवर कर रही है, उसके साथ साथ जब बाकी सारे एब्डोमेन से निकल के वो बाकी एरियाज में जाना होता है, सपोज नीचे थाइज में चले जाते हैं सुपरफिशियल फेशिया और जो थॉरेक्स में चला जाता है, तो ये मेन फैटी लेयर ही होती है सुपरफिशियल फैटी लेयर, जो कि नॉर्मल फेशिया के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, जितना नॉर्मल फेशिया आपके ऊपर नीचे बाकी सारे ऑर्गन्स को लाइन कर है, ऊपर वाले एरिया में नीचे वाले एरिया में, ठीक है। तो ये मेन फैटी लेयर है सुपरफिशियल फैटी लेयर, जिसका नाम है सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ कैंपर। और जो हमारे पास डीप, यस, एक जगह, सिर्फ एक दो जगह पर ये नहीं होती। कौन सी जगह? सबसे पहले जो मेल जेनिटल ऑर्गन है, दैट इज पीनिस, उसमें ये बिल्कुल थिन होती है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। और जो स्क्रोटम है, अभी उसकी डिटेल में आपको बताऊँगी, स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मेल,
उसमें ये होता है कि ये सुपरफिशियल फैटी लेयर जो है वो रिप्लेस हो जाती है एक मसल से, उस मसल को कहते हैं डार्टोस मसल। बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वाइवा में पूछते हैं डार्टोस मसल के बारे में, लाजमी पूछते हैं कि व्हाट इज़ डार्टोस मसल, वेयर इट इज़ लोकेटेड। अभी हम डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे स्क्रोटम के साथ। फिलहाल इतनी याद रखना कि सुपरफिशियल फैटी लेयर जब सारी तरफ ड्रेन करिए तो वो स्क्रोटम को भी लाइन करेगी। स्क्रोटम को जब वो लाइन करती हुई जाती है और उसके अंदर पहुँचती है तो उस वक्त ये फैटी लेयर जो है डार्टोस मसल बन जाती है। ये हो गया, तो हमने फैटी लेयर कर ली। फिर जो मेम्ब्रेनस लेयर, डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ये भी पूरी एब्डोमेन में तो कंटिन्यू करती है, लेकिन बाकी जब और एरियाज में पहुंचने वाली होती है लाइक थॉरेक्स में, थाइज में, तो ये फैटी लेयर के साथ मिल जाती है और उसके बाद ये अपनी खुद आइडेंटिटीज़ की ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक जगह ही रहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का, कूलीज फेशिया। व्हाट इज़ कूलीज फेशिया? अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बातें कह रही हूँ आपने याद रखनी है कि मैंने कैपोट मेड्यूसी को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, डार्टोस को इंपॉर्टेंट कहा है, और ये कूलीज फेशिया तीसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। तो कूलीज फेशिया आपसे पूछते हैं कि क्या होता है, तो ये डीप मेम्ब्रेनस लेयर जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सुपरफिशियल फेशिया की है, यही जब नीचे पेरिनियम में आती है, पेरिनियम आपको वो पोर्शन है जो पेल्विस के दरमियान में लोकेटेड है, जहाँ आपके सारे जेनिटल ऑर्गन्स और यूरेथ्रा वगैरह सब कुछ है, दो पेल्विस जो आपके हैं उनके दरमियान में पेरिनियम, इस जगह को जब ये लाइन करती है डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, तो उसका नाम हो जाता है कूलीज फेशिया। ऊपर इसका क्या नाम था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में फेशिया ऑफ स्कार्पा, पहले फेशिया ऑफ स्कार्पा था, जब पेरिनियम में आए तो इसका नाम हो गया कूलीज फेशिया। तो ये कूलीज फेशिया पेरिनियम में लाइन करने वाला फेशिया, ये लाजमी पूछते होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो यूरेथ्रा के डिफेक्ट्स होते हैं तो यूरिन जो है बैक फ्लो करके हमारी एंटी एब्डोमिनल वॉल की साइड पे आने लग जाते हैं। अब उसमें एक नेचुरल मैकेनिज्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि एक कूलीज फेशिया जो पेरिनियम का है इसको एक पक्की अटैचमेंट दी है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दी हुई है एक थाए में, एक ऐसी जगह पर जो भी मैं आपको बताऊँगी कि यूरिन अगर ऊपर की तरफ या बैक फ्लो कर भी एंटी एब्डोमिनल वॉल में आ भी जाए तो वो थाइज में ना जाए। वो फिर किस तरह से दिया हुआ है, एक कूलीज फेशिया की अटैचमेंट है विद द वॉल ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ ऐसी अटैचमेंट है कि वो उससे नीचे यूरिन को नहीं जाने देते। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एक हॉल्डन्स लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मेरे दो पेल्विस हैं राइट और लेफ्ट साइड के, ठीक है। पेल्विस का आपको पता है कि जो आपकी पेल्विक बोन है यानी हिप बोन, उसके बिल्कुल एक एंड पे होता है जी प्यूबिक ट्यूबरकल, एक एंड पे तो नहीं, तो उससे थोड़ा सा पहले होता है, उसके दरमियान प्यूबिक क्रेस्ट होता है और फिर प्यूबिक सिम्फिसिस होती है। तो प्यूबिक ट्यूबरकल से 8 सेंटीमीटर लैटरली एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं हॉल्डन्स लाइन, ये होगी। फिर प्यूबिक ट्यूबरकल खुद हो गया, और उसके बाद मीडियल साइड ऑफ थाई पे ग्रेसिलस वगैरह मसल्स प्रेजेंट है, ग्रेसिलस है और एडक्टर लॉन्गस है, ये हो गए। इन इन जगहों पे यानी मीडियल साइड पे, प्यूबिक ट्यूबरकल पे और इस हॉल्डन्स लाइन पे कूलीज फेशिया की फर्म अटैचमेंट है। फर्म ऐसी अटैचमेंट है, वैसे तो आपको तो सुपरफिशियल फेशिया को इतना पक्का अटैच नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये इतना स्ट्रांगली अटैच है विद द स्किन एंड अदर स्ट्रक्चर्स कि अगर यूरिन एक्सट्रावाइजेशन हो जाए, बैक फ्लो हो जाए, तो इट कांट पास थ्रू दिस लाइन और ये नीचे नहीं आएगा। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलीज फेशिया इन आवर बॉडी, जो कि पूछते होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास अगली बात यह है कि मीडियन प्लेन में यही वाला जो मेम्ब्रेनस लेयर है, मेम्ब्रेनस लेयर का एक तो हमने बात कर ली कि वो उसने कूलीज फेशिया बना लिया, फिर जब ये इधर बिल्कुल सेंटर में पहुंचता है इन द एरिया ऑफ द पीनिस, तो ये पीनिस को जिसने अटैच किया हुआ है विद द बॉडी वो लिगामेंट बनाता है। सो जो फंडीफॉर्म लिगामेंट है वो भी ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया से बनता है। तो ये इसकी दो जो है इंपॉर्टेंट बातें होगी हमारे पास कूलीज फेशिया की। उसके बाद आपको तो सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, लिम्फैटिक्स हैं, उनका बारी बारी में सबका जिक्र करती हूँ, लेकिन वो तब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आपको रेक्टस शीथ और मसल्स ना आते हैं, तो पहले आप वो वीडियो देखना फिर ये देखना।